Hey guys, कैसे हो? Welcome back to a new video. Guys, आज की जो ये वीडियो है ये आपके होने वाली है GTA VC Remastered के ऊपर, GTA Vice City Remastered के ऊपर. और बहुत टाइम बाद जो है GTA VC का Remastered वर्जन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ. और ये जो GTA VC का Remastered वर्जन है ये आपका एक फैन मेड मोड वर्जन है, एक बीटा वर्जन है. और इसके अंदर जो ग्राफिक्स आपको मिलने वाले हैं वो इतने ज़्यादा औसम ग्राफिक्स है जो कि मेरे को बिलीव नहीं हुआ था कि इतने हाई ग्राफिक्स का कोई बीटा वर्जन यहाँ पे हो सकता है. तो काफ़ी ज़्यादा फाइंड करने के बाद फाइनली यार इनका जो डेवलपर है वो है गेम ऑन बजट. एंड वहाँ से मैंने फाइंड आउट किया है बहुत ज़्यादा ऑसम मोड है. और इसी के साथ में आपको यहाँ पे एक रेसिंग मोड भी मिल जाता है. जी हाँ, आप इसके अंदर एक मिशन कर सकते हो जो कि आपका रेसिंग मोड होगा. और एक मिशन होता है GTA Vice City के अंदर नॉर्मली, तो वो जो होता है रेसिंग का मिशन होता है GTA Vice City के मेन मैप पे, मेन मैप के अंदर एक क्लब में होता है. आपको पता होगा अगर आपने GTA Vice City के मिशन सारे कंप्लीट किए होंगे तो वहाँ पे एक जो मिशन होता है वही मिशन आपको इस GTA San Andreas फैनमेड बीटा वर्जन मोड के अंदर इन बिल्ड मिलेगा गाइस. जी हाँ, उसी के साथ में आप GTA Vice City का पूरा मैप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो और वो भी बिल्कुल रिमास्टर्ड ग्राफिक्स के अंदर, बिल्कुल हाई ग्राफिक्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा औसम लगेगा आपको. जी हाँ गाइस, पूरा का पूरा हाई ग्राफिक्स के अंदर आप GTA Vice City का पूरा मैप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो और वो भी बहुत ही कम साइज के MB के अंदर. ठीक है गाइस, ये वीडियो आपको पूरी देखती रहनी क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ इस फैनमेड मोड के वर्जन के बारे में, कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और बहुत ज़्यादा औसम आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है इफ यू डाउनलोड दिस मोड. सो गाइस, वीडियो को मेनली शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर दो, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है मेरे को और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए. क्योंकि उसी से यार एक मेन मोटिवेशन मिलता है कि बंदों ने वीडियोस को देख के सब्सक्राइब किया है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाया है, तो हमको मोटिवेशन मिलता है. साथ में आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती है हर एक वीडियो की. गाइस, चैनल पे काफी सारे लोग सब्सक्राइब्ड हैं लेकिन नोटिफिकेशन बहुत कम लोगों के पास जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है वो काफ़ी कम लोग ऑन करते हैं. इसलिए गाइज, आप जो है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो. जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको बेल नोटिफिकेशन के ज़रिए ही नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं करोगे तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाली. और आप कोई भी और जब भी कोई भी वीडियो आती है मेरी तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा एंड आप उसको नहीं देख पाओगे. ठीक है, तो आपको सबसे पहला जो काम है वो ये करना है कि आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है सब्सक्राइब करने के बाद में. ठीक है, तो ये चीज़ करना मत भूलना भाई लोगों. और अगर मैं बात करूँ इस गेम के मिशंस की, तो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि एक मिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है रेसिंग मोड का. और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है सेटिंग्स के अंदर लो, मीडियम, हाई कर सकते हो, हाई सेटिंग कर सकते हो. अगर आपका डिवाइस थोड़ा लो है, 2GB रैम या फिर 1GB रैम का है, तो उस केस में आप जो है अपने सेटिंग्स को थोड़ा लो कर सकते हो. अगर आपका डिवाइस तो 4GB से 6GB के रैम के बीच में है तो आप जो है क्या कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो. एंड अगर आपका डिवाइस अगर 4GB या 6GB से ऊपर है तो आप जो है पूरा का पूरा हाई सेटिंग पे रन करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत औसम लगेगा. अगर आपकी डिवाइस बहुत ज़्यादा कम है, 2-3GB है, 2-3GB रैम है, उसके अंदर भी आप हाई सेटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा लैग देखने के लिए मिलेगा. तो आप अगर मैनेज कर सकते हो तो कर लेना, बाकी तो कोई इशू नहीं है. आपका ये वाला जो बीटा वर्जन है बहुत अच्छे से रन होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे 4GB का फ़ोन है, उसके अंदर मैं यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ और एकदम हाई सेटिंग पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रन कर रहा है, मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप भी ट्राई करो, आपका अच्छे से वर्क करेगा. यहाँ पे हाई ग्राफिक्स के साथ में आपको बेस्ट कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिलेंगे. आप यहाँ पे स्टंट भी कर सकते हो. जी हाँ गाइस, जो मेनली GTA Vice City के स्टंट्स आप करते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो बहुत ही कम साइज के MB के अंदर. और पेड्स की बात आती है तो यहाँ पे मेरे को अभी तक कोई पेड दिखा नहीं है, ना ही कोई बंदा दिखा है चलता हुआ, क्योंकि एक बीटा वर्जन है तो मे बी ये डेवलपिंग में है, तो हो सकता है मे बी इन फ्यूचर ये थोड़ा डेवलप हो जाए. और इसकी जैसे जैसे वर्जन आते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा. अगर इसका कोई इन फ्यूचर कोई अच्छा अपडेट आता है तो मैं नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा. इसलिए मैं कह रहा हूं गाइस, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना. तो गाइस, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं लूंगा, ये इसके बारे में जितनी चीजें थी मैंने
बता दी है। आई होप कि आपने जितनी भी चीज़ें थी आपने देख ली होगी और आपने सुन लिया होगा अच्छे से। और यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर चला सकते हो, सबसे बेस्ट चीज़ ये है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो हेलीकॉप्टर चलाना भी बहुत अच्छा एडवांटेज है। यहाँ पे जो इसका इंटरफेस होता है वो भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। आप डाउनलोड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसा इंटरफेस होगा इसका मेनली। एंड आई होप कि आज की जो ये वीडियो है गाइस ये आपको अच्छी लगी होगी। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी कम लोगों ने प्रेस कर रखा है, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड